अच्छा बजट रहा। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहता हूं कि देवनारायण बोर्ड जिसका मैं अध्यक्ष हूं, इसमें जो हमारी बच्चियां हैं उनको 13,000 स्कूटी मिलती थी, 13,000 को बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20,000 स्कूटी कर दिया, जिनकी कीमत लगभग 176 करोड़ का अधिक व्यय राज्य सरकार पर आएगा। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ी संख्या में जो बच्चियाँ हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली की दरों पर जिस तरह से कमी की गई हो, चाहे चिरंजीव बीमा योजना हो, चाहे दुर्घटना योजना हो बीमा की, इन सब पे जिस तरह का प्रदेश की जनता को बड़ी संख्या में जो लाभ दिया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेष रूप से आभार व्यक्त इस बात के लिए करना चाहता हूँ कि मेरी खुद की विधानसभा नदवई में माननीय मुख्यमंत्री जी ने SC ST के बालिकाओं के लिए छात्रावास दिया, इसी तरह ITI का कॉलेज दिया, SC ST के साथ साथ जनरल बच्चों के लिए खेल का स्टेडियम दिया और CO का ऑफिस दिया, इसी तरह मिनी फूड पार्क की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई और बालिकाओं के लिए कन्या महाविद्यालय की घोषणा मेरी खुद की विधानसभा नदबई के उज्जैन में की गई। मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया, एक ओल्ड पेंशन स्कीम को छोड़ के यदि हम बात करें कि कृषि बजट अलग से आने की बात, इस बार हर प्रदेश का किसान सोच रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं बड़ी सौगात मिलेगी, तो किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की बात जो है वो मुख्यमंत्री जी ने इसके अंदर कोई उल्लेख नहीं किया। युवाओं के रोजगार के लिए कोई ठोस नीति हम बढ़ा नहीं पाए, रीट पेपर जो आउट हुआ उसको लेके भी SOG के अंदर एंटी चीटिंग एक विंग की बात इन्होंने जरूर की, लेकिन कोई ऐसा ठोस कानून इस फ्लोर से आना चाहिए था जिसकी बात मुख्यमंत्री जी को बजट घोषणा में करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। इसके अलावा बिजली के अंदर जो स्पेशल कैटेगरी के जो कनेक्शन है किसानों को, उनका नियमितीकरण, ये ऐसे मुद्दे हैं जब मुख्यमंत्री जी बजट के पे जब जवाब देंगे तब हम ये मांग करेंगे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो राजस्थान के अंदर और युवाओं को रोजगार के को लेके और कोई ना कोई ठोस कानून यहाँ के फ्लोर से बने और एक मैसेज प्रदेश के अंदर जाए। जनता को भ्रमित करने वाला बजट है, घोषणाओं की संख्या बहुत है लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत थी उनको छोड़ दिया गया है। जैसे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कहा गया कि इनको उद्योगों में प्रोत्साहन देंगे, लेकिन रिको में जब इनका आरक्षण है भूखंड आवंटन का तो केवल 6% किया है, जबकि SC ST के लिए 30% होना चाहिए था। अनुसूचित जाति के, OBC के, अनुसूचित जनजाति के जितने भी लोगों को, दिव्यांगों को छात्रवृत्ति मिलती है उनको छात्रवृत्ति पर कोई चर्चा नहीं की गई, जबकि बढ़ाना चाहिए था। इन्होंने महिलाओं की बहुत चर्चा की, बुज़ुर्गों की बहुत चर्चा की, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए उनकी पेंशन बढ़ाने की कोई चर्चा नहीं की, जबकि वो अपेक्षा कर रहे थे कि हमारी पेंशन इसमें बढ़ेगी, उस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई है। किसानों की के बारे में इन्होंने कहा कि हम अलग से कृषि बजट ला रहे हैं, लाए भी हैं, इन्होंने बोला भी है, लेकिन किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे जो पिछली घोषणा थी उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। चाहिए ये था कि जो पिछली बार जो भूल हो गई इस बार सुधारते और सुधार करके सभी किसानों का सभी प्रकार का कर्जा माफ़ करना चाहिए था, वो भी नहीं किया है। जो किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय से शून्य ब्याज पर जो लोन दिया जाता था 1.5 लाख रुपए तक का, उसको नहीं दे रहे हैं। अपेक्षा ये थी किसानों की उसको बढ़ाएंगे और उसका पूरा देंगे, उस पर भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। ये चर्चा की इन्होंने कि हम किसानों को और जो बिजली कनेक्शन पेंडिंग है सबको देंगे 2 साल के अंदर अंदर, लेकिन ये चर्चा नहीं की गई कि उनका मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी तक भी जो पिछली बार के कनेक्शन थे जो 1.5 साल हो गए लोगों को डिमांड और जमा कराए, उनको अभी तक भी कनेक्शन नहीं मिला है, तो जनता कैसे अपेक्षा कर सकती है कि उनको कनेक्शन बिजली के दे देंगी। ये केवल धोती घोषणा है। ये इन्होंने चर्चा की है कि हम चिकित्सा के बारे में बहुत सारा काम कर रहे हैं, हम निःशुल्क दवाएँ देंगे, 5 लाख रुपये तक का जो चिरंजीवी योजना हम उसको बढ़ाएंगे, जो भारत सरकार का था उसको नाम बदला था इन्होंने, बढ़ाएंगे, लेकिन इन्होंने आयुर्वेदिक औषधालयों में यानी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है उनकी दवाइयों को निःशुल्क न किया है, न जांचों को निःशुल्क किया गया है। जो सुविधा आसानी से मिल सकती थी, जो दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करती है, जो बीमारियों को नहीं बढ़ाती है, उनके बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। अपेक्षा ये थी
आयुर्वेद में विश्वास करने वालों का कि आयुर्वेद की दवाएं भी निःशुल्क दी जाएगी, लेकिन उस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, बलात्कारी घटनाएं बढ़ रही हैं, अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ रही है, भूमाफिया बेलगाम हो रहे हैं। जनता की अपेक्षा ये थी कि भूमाफियाओं पर शिकंजा कसा जाएगा, तस्करों पर शिकंजा कसा जाएगा, बलात्कारियों पर शिकंजा कसा जाएगा और उसके लिए ये प्रावधान लाया जाएगा, ये चर्चा की जाएगी कि उनकी सारी संपत्तियों को हम सरकार में समाहित करके, नीलाम करके सरकार में समाहित कर लेंगे। उस पर उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई है। इसका अर्थ ये हुआ है कि ये तस्करों पर, गुंडे, बदमाशों, बलात्कारियों पर कोई लगाम नहीं लगाना चाहते। जिस प्रकार से लूट हो रही है जनता के साथ, वो लूट जारी रहेगी। उनका कोचिंग का जितना भी खर्च आता था वो सारा का सारा सरकार वहन करती थी, वो जो उच्च प्रतिष्ठित संस्थान जो होते थे उसका, लेकिन कांग्रेस ने बंद कर दिया था उसको पुनः चालू नहीं किया है। प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होने के बाद SC ST की OBC की जितनी फीस लगती थी उसको पहले सरकार भरपाई करती थी, ये इन्होंने बंद कर दिया और उसकी जगह टोकन मनी दी जाती है। यानी 4 लाख रुपये फीस लगती है तो 5,000 रुपये दिए जाते हैं, कहीं 10,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी 20,000 रुपये ज़्यादा कहीं भी नहीं दिए जाते हैं। तो चाहिए ये था सरकार को कि सारी के सारी जो शुल्क लगती है SC ST के बच्चों को कॉलेजेस में एडमिशन होने के बाद, वो सारी की सारी फीस को देते नहीं थी। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि किसानों की विरोधी है, महिलाओं की विरोधी है, दिव्यांगों की विरोधी है, SC ST की विरोधी है, विरोधी ये बजट है और ये सरकार इनकी विरोधी है।